न्यू ग्रीन गोल्ड गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है फ्रेंड, पोर्चिला का पौधे में ग्राफ्टिंग करके हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ग्राफ्टिंग की जाती है और एक पौधे में हम चार तरह के फ्लावर्स ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम आज आपको बताते हैं। इससे पहले हम प्लास्टिक के 2 लीटर के बॉटल से हम एक छोटा सा गमला बनाना सीखेंगे, उसी में हम पोर्चिलाका का पौधा लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। इस तरीके से 2 लीटर का बॉटल लेना है और इस तरीके से पेन के द्वारा लाइनिंग करके एक हमें छल्ला निकाल लेना है। इस तरीके से पहले हम नाइफ के द्वारा थोड़ा सा काट करके कट कर लेंगे, फिर कैंची के सहारे फ्रेंड हम एक छल्ला का आकार निकाल लेंगे और इस तरीके से एक एक इंच पर हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारे बगल में छल्ला रखा हुआ। इसी तरीके से आपको भी एक छल्ला का आकार का निकाल लेना है और इसी में फिर हम आपको डाल कर दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम इसका गमले का रूप देंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने छल्ले को इसमें डाल दिया और एक एक पत्ती मोड़ कर इसी के अंदर हम डालेंगे, फिर अपने आप एक गमले का रूप तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से डाल करके फ्रेंड आपको एक एक पत्ती एक छोटा सा गमला बनाना है। छोटे से गमले बन जाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है फ्रेंड, घर में वैसे भी वेस्ट चला जाता है 2 लीटर का बॉटल। अगर थोड़ी सी हम मेहनत करें तो एक छोटा सा गमला अपने घर पे हम आराम से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने इस तरीके से बना लिया है और दूसरा भी गमला इस प्रकार से हमने बना ली है। अब आपको हम दिखाएंगे किस प्रकार से गमले में हम छेद करेंगे ताकि हमारे पानी का आन प्रदान हो सके। इसी तरीके से बीच में फ्रेंड आपको छेद कर लेनी है, फिर हम इसमें एक पत्ती डालकर ताकि हमारे छेद बंद न हो, और इसमें हम मिट्टी डालकर, खाद मिट्टी पहले से हमने तैयार कर ली है फ्रेंड, और इसमें हम पौधे आपको लगाकर दिखाएंगे। ये देखिए, इसी प्रकार से आपको पौधे लगानी है और साइड से मिट्टी थोड़ी दाब देनी है ताकि हमारा पौधा हिले नहीं। इसी प्रकार से फ्रेंड आपको भी लगाना है। ये देखिए, इसी तरीके से लगाना है फ्रेंड। फिर इसमें हम वाटरिंग करेंगे, पानी डाल देंगे इसमें फ्रेंड, और ये देखिए हमारा पौधा 1 हफ्ते का हो चुका है और ये पौधा हमारे ग्राफ्टिंग के लिए तैयार हो चुके हैं फ्रेंड। ये देखिए येलो, ये देखिए पिंक, ये देखिए वाइट और ये देखिए ऑरेंज फ्रेंड, ये 4 कलर हैं और चारों कलर ग्राफ्टिंग करके हम आपको दिखाएंगे। पहले नाइफ लेंगे फ्रेंड और नाइफ, और ये देखिए हमारे स्केचर है जिसके द्वारा हम काटेंगे। इस तरीके से फ्रेंड आपको ऊपर का मुंह काट कर हटा देना है, तभी ग्राफ्टिंग करने में आपको बनेगा। फिर हम कैंची के सहारे पत्ती लीफ को काट देंगे ताकि हमें ग्राफ्टिंग करने में बने। बहुत ही इजी है फ्रेंड, गौर से आप देखें। अगर पहली बार हमारे वीडियो पर हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले फ्रेंड। देखिए इसी प्रकार से आपको बीच में 2 mm के बराबर आपको कट लगानी है फ्रेंड। ये देखिए हमारा पिंक कलर का है और इसको हम आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हल्का सा आपको ऊपर से छीलनी है और हल्का सा फिर नीचे से छीलनी है और फिर इसको हम
बीच में रख करके फ्रेंड इसको हम ग्राफ्टिक करेंगे। ये देखिए हमने मार्केट से सेलो टेप लेकर के आया था फ्रेंड। सेलो टेप लगाने से आराम से बन जाता है, क्योंकि इसमें गोंद होता है, चिपक जाता है, क्योंकि बहुत ही पतला और नाजुक होता है, इसलिए बहुत ही आराम से इसको लगाना पड़ता है। ये देखिए पहले हम आधा टेप नीचे रखेंगे फ्रेंड और आधा टेप ऊपर, ताकि हम उंगली से पकड़ते हैं इसको हम दाब देंगे ताकि उसमें हमारा ये चिपक जाए। देखिए फ्रेंड इसी तरीके से आपको ग्राफ्टिंग करनी है। ये देखिए हमने पहला ग्राफ्टिंग कर लिया है फ्रेंड। अब देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको कट लगा करके, ये देखिए ऑरेंज कलर का है, इसी तरीके से आपको फिर आधा नीचे और आधा ऊपर कट करके फिर इसको आपको लगाना है। ये देखिए फ्रेंड हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसको कट करके हम इसको लगाएंगे। ये देखिए आधा इधर और आधा उधर से हमने कटिंग किया है, और ऊपर से इसलिए काट दिया जाता है फ्रेंड ताकि ब्रांचेस जल्दी ले और थोड़ा हल्का हो जाए, ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि ये टूट जाएंगे तो फिर बेकार हो जाएंगे। इस तरीके से आपको देखें फ्रेंड बीच में आपको डालना, पहले आपको सेलो टेप चिपका लेना है आधा नीचे और आधा ऊपर, और इसी प्रकार से आपको ग्राफ्टिंग करनी है। एक बार करके देखिए फ्रेंड घर पे, एक पेड़ में चार तरह के फ्लावर खिलते हैं तो देखने का मज़ा ही अलग होता है, और बहुत ही इजी है फ्रेंड। आप अपने घर पे आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरीके से टेप आपको लगा करके आपको ग्राफ्टिंग करनी है। ये देखिए हमारी तीसरी ग्राफ्टिंग हो चुकी है फ्रेंड, अब हम चौथी ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए येलो कलर का है, और चारों ग्राफ्टिंग फ्रेंड हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारे चारों ग्राफ्टिंग चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड इसी तरीके से आपको इसको भी ग्राफ्टिंग करनी है। ये देखिए हमारे चारों ग्राफ्टिंग फ्रेंड हो चुके हैं, और ये देखिए फ्रेंड हमारा एक हफ्ते का रिजल्ट है फ्रेंड, किस प्रकार से हम ग्राफ्टिंग हमारे सब चल चुके हैं। ये देखिए पहले से ब्रांचेस भी अधिक आ गए। ये देखिए फ्रेंड हमारा पहला फूल आपको खिल चुका है, और ये देखिए हमारा दूसरा है जिसमें दो कलर के फूल खिल चुके हैं फ्रेंड, और ये देखिए फ्रेंड हमारा किस तरीके से, ये देखिए हमारा चारों फूल खिल चुके हैं फ्रेंड, वाइट, येलो, पिंक और ये है ऑरेंज फ्रेंड। तो हमारे सारे बडिंग सक्सेसफुल हुए फ्रेंड। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। इसी तरीके फ्रेंड फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।